हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। तो गाइस सर, BGMI के 2.9.0 अपडेट के अंदर आप लोग को तीन ऐसी सेटिंग मिली होगी। पहला तो हॉनर, जो कि आप सभी लोग को समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि इसमें देखा तो होगा, मतलब समझ में नहीं आ रहा इसको करना क्या है, इससे फ़ायदा क्या है। सेकंड चीज़ गाइस, मुझे एक कमेंट आया था कि भाई जो इमोट के बगल में एक स्क्रीन का सब बना हुआ है UI मोड, इसका क्या फ़ायदा है, इससे मतलब क्या चीज़ होता है, तो ये भी बताऊंगा। एंड थर्ड चीज़ जो कि आप लोगों ने सेटिंग में देखा होगा कि एक थोड़ी सी चेंजेस हुई है, वो चेंजेस क्या है, उससे क्या फ़ायदा होने वाला है आप लोग को, वो भी बताऊंगा। तो गाइस चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को लाइक कर देना, प्यारा सा कमेंट कर देना देखो, और इस वीडियो को शेयर करने की ज़्यादा ज़रूरत है, तो प्लीज़ शेयर कर देना। सब्सक्राइब करो मत करो, कोई दिक्कत नहीं, शेयर कर देना यार। सबसे पहले बात करेंगे कि BGMI के अंदर जो सबसे बड़ी चेंजेस हुई है, जो कि हुई है अचीवमेंट पे, जिससे आप सभी लोग आओगे तो आप लोग देखोगे होनोर करके एक ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसमें कि हम लोग को दो और ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जिसमें कि पहला है अचीवमेंट, जो कि आप सभी लोग को पता होगा नॉर्मल अचीवमेंट है। एंड आप लोग एक चीज़ देखोगे, टाइटल का ऑप्शन देखने को मिलता है। अब गाइस यहाँ पे आप लोग देखोगे कि आपके सामने लिखा होगा 32 टोटल टाइटल्स, आपके पास जितने भी टाइटल्स होंगे वो यहाँ पे आपके सामने शो हो जाएंगे। पर गाइस सर, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि इसमें आपको कौन से टाइटल इक्विप करने हैं। जैसे कि आप सभी लोग यहाँ पे देख सकते हो कि मेरे पास इतने सारे हैं, अब मेरे को कौन कौन से पसंद है, तो उसको मैं क्या करूँगा। अब चलता हूँ फटाफट से होनोर पे, तो यहाँ पे मैं टाइटल पे आ चुका हूँ। अब मेरे को पसंद है कि मेरे को जो लेजेंडरी टीम वाला टाइटल है वो मेरे यहाँ पे रहना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हो कि तीन मेरे पास मिथिक टाइटल है, बाकी सब लेजेंडरी है। एंड ये जो इवेंट वाले टाइटल है वो हैं, तो मेरे को यहाँ पे सबसे पसंद है लेजेंडरी वाला, जो कि सबसे मुश्किल से मिलता है, तो मैं सबसे पहले इसको यहाँ पे लगा लेता हूँ। तो इस तरीके से आप लोग आई थिंक यहाँ पे चार टाइटल लगा सकते हो। आप लोग को सामने लगा के दिखाता हूँ फटाफट से। तो ये कुछ खतरनाक सा टाइटल मिला है। ओके, मुझे लगता है सारे सब में लगा पाते तो बहुत अच्छा रहता। तो यहाँ पे आ चुका चौथा, आप देख सकते हो कि अच्छा, मुझे 10 लगा सकता हूँ मैं, यहाँ पे 10 हो सकता है। ओके, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि 10 लगा सकते हो। सेलेक्ट अ टाइटल शो ऑन योर प्रोफाइल, 10 टाइटल लगा सकते हो भाई साहब, मज़ा आ जाएगा यार। तो जितने अच्छे अच्छे हैं सभी लगा लेता हूँ मैं, इसको लगाऊंगा मैं, तो ये ज़्यादा अच्छा है, जितने अच्छे अच्छे रहेंगे सभी लगा लूँगा मैं। तो आप लोग यहाँ पे बस ये जो टाइटल है वो लगा सकते हो, मतलब शो ऑफ कर सकते हो, बाकी इससे आपको कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे हम लगा लेते हैं एंड एक बार देखेंगे कि ये जो टाइटल लगाने के बाद कैसा लग रहा है। तो यहाँ पे मेरे पास 10 टाइटल लग चुके हैं। अब मैं मेरे प्रोफाइल पे कहाँ पे शो होंगे एक बार ज़रा देख लेता हूँ मैं। ओके, यहाँ पे मेरा लगा हुआ है। अच्छा, बस इतना ही शो हो रहा है, ये क्या बात होती है, कहाँ पे शो होगा कुछ तो समझ में नहीं आ रहा है। किसी और बंदे का देखता हूँ कि किसी और ने लगाया है क्या, क्या पता उनका शो होता हो। तो यहाँ पे देख सकते हो कि इन बंदों का मैं देख रहा हूँ तो इनका भी नहीं शो हो रहा है। ओके, टाइटल देखता हूँ तो टाइटल अच्छा यहाँ पे शो होगा, मतलब जिन बंदों ने लगाया होगा उनका यहाँ पे शो होगा कि उनके पास कौन कौन सा टाइटल है। इस बंदे के पास देख सकते हो कि टोटल टाइटल है सिर्फ 19। तो ठीक है भाई, इस तरीके से यहाँ पे शो होगा, बाकी तो ठीक है, मतलब ये कुछ खास ज़्यादा कमाल की सेटिंग नहीं थी, मतलब दे दिए बस ऐसे ही। उसके बाद गाइस जो हम लोग को सेकंड सेटिंग देखने को मिली थी वो थी, आप इमोट के बगल में आप लोग देखोगे एक छोटी सी डिस्प्ले बनी हुई है, इस पर जब आप लोग क्लिक करोगे तो आप लोग को फर्स्ट देखने में यही लगेगा कि यहाँ पे आप लोग आउटफिट लगा सकते हो, यहाँ पे आप लोग सारे इमोट लगा सकते हो, जो कि आप लोग अपने प्यारे प्यारे इमोट कर सकते हो एंड छोटी मोटी वीडियो बना सकते हो। एंड अगर आपका फ्रेंड होगा तो साथ में वो भी लॉबी में आ जाता है, तो उसकी वो भी इमोट करेगा साथ में। तो इस तरीके से आप लोग को नॉर्मल चीज़ें लग रही होगी, पर गाइस ये चीज़ मुझे लगता है कि ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर जब आप लोग इस UI मोड पर क्लिक करोगे तो आपके सामने लिखा आएगा यू आर नाउ इन हिडन इन UI मोड, उसके बाद लिखा आएगा योर स्टेटस इज अनअफेक्टेड। तो आई थिंक यहाँ पे मुझे ये लगता है कि जैसा कि हम लोग ने देखा होगा कि यहाँ पे जब फ्रेंड लिस्ट पे क्लिक करते हैं, जैसे कि DND हम लोग लगाते हैं, डू नॉट डिस्टर्ब हुआ, या हम लोग कुछ भी लगाते हैं डीमोटिवेटेड हुआ, तो इस तरीके से एक आपको दिख रहा है स्टेल्थ या स्टेल्थ मोड, जिससे हम लोग हिडन हो जाते हैं, मतलब कोई बंदा मुझे देख नहीं पाता कि हम ऑनलाइन है कि नहीं। तो आई थिंक मेरे को लगता है कि जो सेटिंग आई है ये बिल्कुल इसी तरीके से है कि हम इस पर जब क्लिक करते हैं तो हम आ जाते हैं एक UI मोड के अंदर, मतलब हम गेम के लिए अवेलेबल नहीं रहते, कोई हमें रिक्वेस्ट नहीं भेज पाएगा या हम किसी को शो नहीं करेंगे कि हम ऑनलाइन है कि ऑफलाइन, लेकिन हम भी किसी को नहीं देख पाएंगे कि कोई बंदा ऑफलाइन है क्या कर रहा है, वो भी नहीं देख पाएंगे। तो इस तरीके से ये जो सेटिंग है ये एक UI मोड में आप आ जाते हो, इसके बाद आप कुछ भी नहीं कर सकते, गेम भी यहाँ से लगा नहीं सकते। अगर आप किसी की लॉबी में हो तो वो आपके लिए गेम स्टार्ट कर सकता है, पर आप गेम नहीं लगा सकते, पर इसके लिए आप कुछ भी नहीं कर सकते कट करने के अलावा, इमोट कर सकते हो नॉर्मली, बाकी आप कुछ भी नहीं कर सकते, कहीं भी टाइप करोगे कुछ भी नहीं होगा। तो ये जो सेटिंग है ये मैंने आपको बता दी। अब जो तीसरी सेटिंग आई है, जो कि आपको नॉर्मली सेटिंग में ही देखने को मिलती है, जो कि हम सभी को पता है कि जब कोई भी अपडेट आता है एक ना एक सेटिंग चेंज होती है,
तो इस बार सेटिंग आई नहीं है, सेटिंग सिर्फ चेंज हुई है। जैसा कि हम लोगों ने 2.8 अपडेट के अंदर एक डेगर की स्किन डेगर देखने को मिलता था, जो कि डेगर कुछ इस तरीके से था। आइए मैं आप लोग को डेगर दिखा देता हूँ मेले वेपन में चल के। तो ये देख सकते हो कि जब हम लोग लैंड करते थे तो हम लोग के हाथ में डेगर मिलता था, जिससे हम लोग को जोम्बी को मारने के लिए ठीक रहता था। तो इस बार अपडेट के अंदर इस चीज़ को थोड़ा सा चेंज कर दिया गया, मतलब ये कहा गया है कि अगर आप लोग को जो डेगर आपके हाथ में मिलता था वो नहीं चाहिए, तो आप लोग मसाटे लगा सकते हो। मसाटे क्या होता है, जैसे कि जो लंबी वाली तलवार होती है ना वो। तो अगर आपको डेगर नहीं पसंद है, लंबी तलवार पसंद है, तो आप लोग लंबी तलवार लगा लो। पर मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आया कि हमें कुछ भी नहीं पसंद है भाई, ना हमें मसाटे पसंद है ना डेगर पसंद है, हमें इसको ऑफ़ करने का सिस्टम दो, तो वो चीज़ क्यों नहीं दी है। यहाँ पे तीन ऑप्शन देना चाहिए था, आपको नहीं पसंद है तो आप इसको ऑफ़ कर सकते हो। तो ये चीज़ आई थिंक अपडेट में चेंज हो जाएगी तो बहुत अच्छा रहेगा। पर मेरे हिसाब से डेगर की जगह मसाटे लगा के हम कोई काबिलियत नहीं कर लेंगे। गाइस यही था इस वीडियो में, एंड कोई भी सेटिंग समझ में नहीं आ रहा हो कुछ भी पूछना कमेंट में पूछ लेना। बाकी किस टॉपिक में वीडियो चाहिए कमेंट कर देना। बाय गाइस, अपना ख्याल रखना है, लव यू ऑल।